Hey everyone, welcome back to my channel All About English with Divyata. Hope you all are enjoying this pleasant weather today outside. Apart from that, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के एंड माई स्पेशल द 7 W's को ध्यान में रख कर के फुल मार्क्स दैट इज़ 4 on 4 गेन कर सकते हैं नोटिस राइटिंग पार्ट में. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, बीट कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बहुत अच्छे हाइट तक ले जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम आप 95% मार्क्स तो ज़रूर स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में. एंड 95% मार्क्स मैटर्स अ लॉट इन योर ओवरऑल परसेंटेज. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वर्क फॉर टुडे. अब सबसे पहले ये जानते हैं कि नोटिस होता क्या है. नोटिस एक टाइप का प्रिंटेड और रिटन इंफॉर्मेशन होता है जो हम लोग पब्लिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. वो सब कोई पढ़ता है, हर कोई जिसको हम चाहते हैं कि वो पढ़े. वो स्कूल्स के लिए हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है, किसी ऑफिस के थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है. सो इन ब्रीफ व्हाट वी कैन से दैट इट इज़ मेंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. वो बहुत लोगों के लिए होता है. अब किस किस टाइप का नोटिस हो सकता है? सबसे पहले किसी इवेंट्स के लिए हो सकता है, मीटिंग के लिए हो सकता है, किसी सेलिब्रेशन के लिए, चेंज ऑफ नेम, अपील, लॉस्ट और फाउंड. न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को ये सब चीज़ पता चलेगा कि कितने कितने टाइप का नोटिस हो सकता है. फिर मैरिजेस के लिए, बर्थ के लिए, डेथ के लिए अपील्स हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिस हो सकता है थ्रू द गवर्नमेंट. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग को हमेशा नोटिस राइटिंग के वक्त याद रखना चाहिए. ओके, फर्स्ट थिंग दैट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस और इंस्टीट्यूशन शुड बी मैंशनड. ओके, हमेशा हम लोगों का नोटिस का जो फर्स्ट लाइन होता है ना, उसमें हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है किसके थ्रू ये नोटिस इशू हुआ है. ओके, राइट अंडर इट नोटिस. अब ये नोटिस वाला जो वर्ड है, ये नोटिस वाला वर्ड, इसको हम लोगों को मेंशन करना होगा जस्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इंस्टीट्यूशन के नीचे. अब डेट ऑफ इशूइंग, जो हम लोग का डेट ऑफ इशूइंग होता है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज और आवर बॉक्स वेयर वी आर राइटिंग. अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेट लिख दिए. अब जस्ट डेट के नीचे एक लाइन छोड़ करके सेंटर में हम लोग हेडिंग लिखते हैं. हेडिंग ब्रीफ होना चाहिए. व्हाट डज इट मींस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 फ्रेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. अब टेंस, अकॉर्डिंग टू द नोटिस, टेंस हमेशा हम लोगों को ना नोटिस के अकॉर्डिंगली लिखना चाहिए कि हम लोग का जो नोटिस है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है. वो फ्यूचर में होने वाला है या फिर पास्ट में हो चुका है या फिर कभी और होगा. ओके, नाउ नेम एंड डेजिग्नेशन, ये एंड में हमेशा होना चाहिए कि कौन इसको इशू किया है, भले वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है या किसी ऑफिस की तरफ से या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, लेकिन हु हैज़ इशूड दैट नोटिस. ओके, तो वो नेम और डेजिग्नेशन होना चाहिए उसका. राइट इन थर्ड पर्सन, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे. नेवर यूज़ द प्रोनाउंस लाइक आई मी माई वेयर, सॉरी वेयर नॉट आई मी माइन, ये सब कभी ना यूज़ करें. राइट इन अ बॉक्स. और एक और चीज़, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, क्योंकि नोटिस बहुत लोग पढ़ते हैं. ओके, और उसमें हम लोगों को लैंग्वेज ऐसा रखना चाहिए ना कि सब लोगों को पढ़ने में आसानी हो, सब लोग उसको समझ सके एक बार पढ़ करके. राइट इन अ बॉक्स. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब चीज़ तो लिख देते हैं बट बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, तो क्या फ़ायदा हो गया उसको, कुछ नहीं. इसीलिए बॉक्स हमेशा बनाना चाहिए. एट द एंड आफ्टर राइटिंग द नोटिस जस्ट मेक अ बॉक्स. नाउ मूविंग ऑन टू माई स्पेशल 7 W's. ये मेरा ट्रिक है जो मैं अपने एग्जाम्स में फॉलो करती थी, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. लाइक हियर बिगिंस माई 7 W's. क्या होता है इसमें? हु, सबसे पहला ये नंबर फर्स्ट है जो हम लोग अपने नोटिस के एकदम स्टार्टिंग में लिखेंगे. Which institution, which organization or which office is writing this or issuing this notice? Okay, अब what? ये हमारा content part में आएगा. Okay, content part. कि हम लोग क्या लिख रहे हैं उसमें. What will be our content in that notice? Where? कब होगा, ठीक है.
कहाँ होगा हमारा जो नोटिस में हम लोग जो भी चीज़ लिख रहे हैं, मान लो वो किसी कॉम्पिटिशन के लिए है या किसी मीटिंग के लिए है, तो वेयर विल इट बी हेल्ड, प्लेस मेंशन होना चाहिए. वाई, क्यों होगा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ओके, व्हेन, कब होगा, टाइम, इन व्हाट वे विल इट बी हेल्ड. ओके, किसके लिए होगा, अगर किसी कॉम्पिटिशन का है तो वो इंटर स्कूल होगा या फिर सिर्फ स्कूल्स के बीच में होगा या जोनल लेवल पे होगा, रीजनल लेवल पे होगा. एंड इट इज़ फॉर होम, वो किसके लिए, अगर एक ऑफिस में है तो ऑफिस में सिर्फ क्लर्क मेंबर के लिए है या फिर सिर्फ ऊंचे पोस्ट वालों के लिए है या फिर सिर्फ किसी के लिए भी हो सकता है ना. फॉर होम इट शुड बी मेंशन. अब जैसे स्कूल के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में अगर डिबेट है तो डिबेट टीचर्स के लिए तो नहीं होगा ना, तो वी विल हैव टू मेंशन दैट कि वो स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, और स्टूडेंट्स में कौन से क्लास के लिए है, दैट ऑल्सो वी नीड टू मेंशन हियर. अब हम लोग आते हैं नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट पे. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मेट. सबसे पहले तो हम लोग देख लिए, ऊपर हम लोग नेम लिखेंगे कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑफिस से कौन इशू कर रहा है उसको. देन राइट नोटिस इन बोल्ड लेटर्स. उसके बाद डेट लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में. उसके बाद यहाँ पे हेडिंग. ओके, क्या हेडिंग होगा. एंड देन राइट द कंटेंट पार्ट इन दिस एरिया. ओके, द कंटेंट पार्ट दैट इज द 7 W's. ओके, 7 W's इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. फिर यहाँ पे कौन उसको लिखा है, कौन इशू किया है, दैट इज़ द नेम. नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन एट द एंड, दैट विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड. और डेजिग्नेशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहेगा. ओके, बस ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फेच फुल मार्क्स इन योर नोटिस राइटिंग एंड विच विल इंक्रीज योर परसेंटेज ओवरऑल एंड इन इंग्लिश ऑल्सो.